सलाम लेकर शाम शिफा खुश आमदी बात करेंगे घाटा का एपिसोड 44 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने खबर सब दिखाता है तो काफ़ी हैरान होते हैं। वहीं पर वह सब बदतमीजी करते हैं तो वहाँ मुझा से कहता है माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। वहीं रानी फिर उसके साथ साथ डॉक्टर काफ़ी बुरे तरीके से बात करते हैं। दानिश उस लड़के के साथ घूमता है जिस तरफ उसकी नामी ख्याल चलने लगते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। दोनों माँ बेटी वालों ने एपिसोड में देखेंगे। दानिश कहता है कि वो दूसरी शादी कर रहा है। उसके बाद कहती है हाँ इस रानी से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, जाहलों की तरह सीढ़ियों में पड़ी होती है। जब हमजा की माँ से कहती है तो वो कहता है कि बहुत जज ये और ये इसकी माँ दोनों ही अपने गे का मुक्ता करेंगी और इनको इनके गे की सजा मिलेगी। तो सिर्फ रानिया की माँ से कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह पिटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसे कहती है कि जो इन्होंने करना था वो तो कर लिया, आप ये मजीद और क्या हैवानियत करेंगे हमारे साथ वहीं पर। दूसरी तरफ जब तैयार होकर उसके सामने जाती है तो हमजा उसको अच्छी खासी सुनाता है और कहता है कि उसको बिल्कुल भी घास नहीं डालता है। अब देखना ये आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या दानिश दूसरी शादी कर लेगा और क्या क्या होगा जब वो लड़की इसको धोखा देगी। और दूसरी तरफ रानिया का क्या होगा, कैसे छुटेगी उसकी, इन सबसे जान आप अपने कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।